अगर देश भर में रहने वाले किसी भी आम इंसान से सरकारी अस्पताल और सरकारी डिस्पेंसरी का मतलब पूछा जाए तो लोग एक सुर में एक ही बात कहेंगे कि सरकारी अस्पताल यानी टूटे फूटे अस्पताल, सरकारी अस्पताल यानी एक ऐसी जगह ना साफ सफाई होती है, ना डॉक्टर होते हैं, ना इलाज होता है। सरकारी डिस्पेंसरी का मतलब वो टूटी फूटी बिल्डिंग जहां पे डॉक्टर या तो मिलते नहीं है या धूप सेक रहे होते हैं, जहां दवाइयां नहीं होती हैं। पूरे देश भर में सरकारी डिस्पेंसरी और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है और यही कारण है कि देश भर में लोग आज सरकारी अस्पताल में ना जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पसंद करते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो या नहीं हो। इस देश में 8 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार बनी तो पहली बार सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाने की बात हुई। पहली बार इस देश के इतिहास में सरकारी प्राइमरी हेल्थ केयर को प्राइवेट से बेहतर बनाने की बात हुई और ये काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 8 सालों में करके दिखाया है। आज दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक का प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल है, ना सिर्फ उसकी दिल्ली में बल्कि उसके पूरे देश में और पूरी दुनिया में तारीफ होती है। यूनाइटेड नेशंस के दो पूर्व सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान जी और बान की मून जी खुद आकर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को देखकर गए और उन्होंने कहा कि ये शायद दुनिया का सबसे शानदार प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल में दिल्ली के भी लोगों ने जो अपना भरोसा दिखाया है वो इस बात से दिखता है कि जब से मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई है तब से 7 करोड़ से ज्यादा ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक में हो चुके हैं। इस साल में भी आज तक 2.25 करोड़ ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक में हो गए हैं। दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लिनिक में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एक साफ सुथरा, वेल इक्विप्ड, वेल मेंटेन्ड सेटअप है। दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लिनिक में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर डॉक्टर 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं मांगता है 10 मिनट के कंसल्टेशन के लिए। वहां पर एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ना सिर्फ अपने किसी राज्य में ना ही केंद्र सरकार में अच्छे अस्पताल दे पाई है, आज वो दिल्ली की जो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको खत्म करने की साजिश रच रही है। ये साजिश कैसे रची जा रही है? ये साजिश को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है? दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं पर झूठे आरोप लगाकर और फर्जी जांच बिठाकर। आजकल आप देखते हैं कि रोज 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 कोई नई जांच दिल्ली की हेल्थ केयर व्यवस्था पर शुरू की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने आज तक कभी भी किसी जांच से इनकार नहीं किया है, ना हम किसी जांच से पीछे हटे हैं। हम तो कहते हैं कि जांच कर लो। आज तक दिल्ली सरकार के किसी भी मैटर में जहां पे बार बार हल्ला किया गया कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। लेकिन ये जांच किसी भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये जांच इसलिए बैठाई जा रही है, सीबीआई में केस इसलिए भेजे जा रहे हैं कि सारे अफसर काम करने से डर जाएं, कि हॉस्पिटल के एमएस काम करने से डरें, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर टेस्ट लिखने से, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर दवाइयां खरीदने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट देने की सुविधा है उसको आगे बढ़ाने से डरें। क्योंकि अब हर अफसर को लगेगा कि अगर मैंने दवाइयां खरीद दी, अगर मैंने टेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिए, अगर हमने टेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया तो हम पे झूठे आरोप लगा के हमें जेल भेज दिया जाएगा। इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा यह होगा कि कभी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में सर्जरी का इक्विपमेंट नहीं होगा, कहीं टेस्ट की व्यवस्था नहीं होगी। और यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह कहना चाहूंगी कि अगर आप दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाते तो उसका एक कारण है। उसका कारण है कि आपने दिल्ली के लोगों के लिए कभी काम करके ही नहीं दिखाया है। आज आप एमसीडी में देखिए, 15 साल में वहां की डिस्पेंसरियों का, वहां के अस्पतालों का बीजेपी ने 15 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही। इसलिए वो कोशिश कर रही है
कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर दिया जाए।